दोस्तों हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसर टाइप लेवल ट्रांसमीटर की कैलकुलेशन की। तो डिस्प्लेसर टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमारे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें ये फ्लोट रहता है, वो स्प्रिंग के थ्रू हैंग रहता है, ये हमारी ट्रॉल ट्यूब रहती है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो डेंसिटी है वो हमें दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मान लीजिए वाटर है तो उसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। लेंथ जो है फ्लोट की वो 40 सेंटीमीटर है और वेट जो है वो मेरा 3 kg है, मतलब उसको मैंने फिर ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ये 3000 ग्राम आ गया। डायमीटर ऑफ फ्लोट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब पहले हम रेडियस निकाल लेंगे फ्लोट का। तो जो रेडियस होगा वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ फ्लोट बाई 2, यानी कि 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। अब मेरा जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, ये हमें आगे चल के काम आएगा। तो अब सबसे पहले 0% वेट, 0% लेवल पे क्या होगा, जो टोटल हैंग वेट होगा वो टोटल फ्लोट वेट क्यों होगा, ठीक है। तो ये हमारा 3000 ग्राम है, तो ये 4 mA पे 3000 ग्राम ही आएगा। अब बात करते हैं टोटल हैंग वेट कैसे निकालते हैं। हम टोटल हैंग वेट निकालते हैं टोटल फ्लोट वेट माइनस लॉस ऑफ वेट ड्यू टू इमर्स फ्लोट इन लिक्विड। तो जो ये बनेगा टोटल फ्लोट वेट माइनस, अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लोट इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब इसी के अकॉर्डिंग 25% पे निकालना है, तो 25% पे क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्लोट इमर्स होगा लिक्विड में वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा टोटल फ्लोट वेट 3000 था, इंटू 3.14 हमारी पाई आर स्क्वायर एस थी वॉल्यूम निकालने के लिए, तो पाई की वैल्यू 3.14 हो गई। आर रेडियस जो था वो हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 × हाइट जो आ गई वो आएगी हमारी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 25% ही इमर्स गए ओनली लिक्विड में। इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर ली, ये हमारा आ गया 2497.6 ग्राम, मतलब ये 8 mA पे इतना आएगा। अब 50% पे कैसे निकालेंगे, तो 50% पे भी यही 3000 माइनस, अब ये मेरे जो इमर्स लिक्विड रहेगा वो 20 सेंटीमीटर तक फ्लोट इमर्स रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये निकाल लिए, ये आ गया हमारा 1004.8, तो ये हमारा आ जाएगा 1995.2 ग्राम, इतने पे हमें 12 mA मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 75% पे, तो 75% पे जो फ्लोट इमर्स रहेगा वो कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये रह जाए कैलकुलेशन कर लिए हमने, 3000 - 1507.2, तो ये आएगा हमारा 1492.8 ग्राम, ये हमारे कितने 16 mA आ जाएंगे। अब 100% 100% पे क्या होगा, 100% पे जो हमारा फ्लोट है वो टोटल इमर्स रहेगा लिक्विड में, मतलब 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकालिए 3000 - 3.14 × 4 × 4 × 40 हमारी जो लेंथ है और इनटू डेंसिटी, ये हमारा आ गया, ये हो गया 990.4 ग्राम। तो ये हमारी URB हो जाएगी, ये 20 mA आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और ये एक हमारी बुक है जो कि अमेजन पर अवेलेबल है, और इसके में भी ये थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आंसर दिए।